जम्मू में डोडा के शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे और शहीदों को नमन किया। डोडा के डेसा में हुए मुठभेड़ में कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे। जिन जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनमें कैप्टन ब्रिजेश थापा, सिपाही ब्रिजेंद्र, सिपाही अजय कुमार सिंह, नायक डी राजेश शामिल हैं। दरअसल सोमवार सुबह से ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस डेसा इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान सोमवार को दो बार जवानों का आतंकियों से आमना सामना हुआ। पहली बार आतंकी घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले और फिर दूसरी बार रात के 9 बजे हुए मुठभेड़ में सेना के जवान घायल हो गए। आतंकी वारदात के बाद जम्मू के ADGP ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान गुनाहगार आतंकियों को सरगर्मी से तलाश रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं। राजन, तो सुरक्षा बलों का अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर अभी भी है, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितनी संख्या होगी इन आतंकियों की? जी देखिए वैष्णवी, भाटा देसा के ये जंगल है जहाँ पे दो दफा जो है कल से जो कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ आतंकवादियों के साथ। दोनों दफा जो है वो निकल गए। एक दफा VDG मेंबर ने जो है वो उस पर देखा, उनको नोटिस किया और उनपे जो है गोली दागी, लेकिन उसके बाद वो उस जगह से भाग गए। लेकिन बाद में जो सेना है वो उसकी अतिरिक्त टुकड़ियां जो है वो उस इलाके में डिप्लॉय की गई हैं और कॉर्डन को टाइट कर दिया गया है उस इलाके में। उम्मीद यही है कि वो जो तीन आतंकवादी हैं वो उस इलाके में कॉर्डन के बीच में हैं और कभी भी जो है ये मुठभेड़ जो इनकाउंटर है उसकी शुरुआत हो सकती है। ये साफ हो चुका है कि जो आतंकवादी हैं वो इन्हीं भाटा देसा के जो जंगल हैं उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं और अब केवल समय की बात है कि कब तक जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उन तक पहुंच पाते हैं और उनका सफाया किया जाता है। क्योंकि दो दिन हो गए लगातार जो है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये बहुत बड़ा इलाका है वैष्णवी, और ऐसे में जिस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और सेना के जो जवान हैं वो जंगल के चप्पे चप्पे पे जो है वो तैनात हैं। और कोशिश यही है कि क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जो ये जंगल का इलाका है ये इंटरकनेक्ट करता है जो बाटा देसा का जंगल है, ये अनंतनाग जो जिला है कश्मीर घाटी का, वो जो उसकी पहाड़ी रेंज है वो उसको भी कनेक्ट करती है। तो ऐसे में ये भी अंदेशा है कि जो ये आतंकवादी हैं ये अनंतनाग जो जिला है कश्मीर घाटी का वहां भागने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये जो जंगल हैं ये काफी घने जंगल हैं और इसमें कई ऐसे नेचुरल हाइडआउट्स होते हैं जहां पे ये छिप सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी बहुत ही एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है ताकि ज्यादा कोई कैजुअलिटी ना हो हमारी फोर्सेज की। और जो तीन आतंकवादी जो यहाँ पे छिपे हुए हैं और घात लगा के हमला करते हैं और वापिस इन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं, अब उनकी लोकेशन जो है वो लगभग जो है वो मालूम है कि इन्हीं जंगलों में मौजूद है, लेकिन जो जंगल का फैलाव है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस ऑपरेशन को अपने जो असली अंजाम तक ले जाना एक चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं और जल्द ही जो है इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा, उम्मीद यही है। बाकी जो ये बिल्कुल हिली रेंज है ये कठुआ से लेकर, जैसे मैंने पहले कई दफा बताया है कि कठुआ से यहां जो डूडू बसंतगढ़ है, फिर वहां से जो डोडा भदरवा, उसके बाद किश्तवाड़ के इलाके हैं और यहाँ जो अनंतनाग जिला है कश्मीर घाटी का, ये इंटरकनेक्ट हैं ये पहाड़ियां जो हैं। तो ऐसे में जो आतंकवादी हैं इनके लिए एक नेचुरल हाइडआउट है, एक सेफ हेवन ये पहाड़ियां बन चुकी हैं जहां पे इन सब आतंकवादियों को यहां से निकालना, उनको उनका सफाया करना ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो तीन आतंकवादी हैं ये लगभग जो है घिर चुके हैं अब समय के बाद,
लेकिन जो चाहे वो पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो चनाब वैली का इलाका है, जहां जितने आतंकवादी वहां मौजूद हैं, सबको सबका सफाया करना ये एक चुनौती है, क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं ये लगातार जो है इनका जो कोशिश है कि जम्मू में जो है एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा कर दी जाए, यहां पे जो है एक जंग का मैदान इसको बना दिया जाए। ये खुफिया एजेंसी जो ISI है, पाकिस्तान है, ये उसकी मंशा है। तो उस मंशा को जो है वो निरस्त करना, उसको शिकस्त देना, ये एक बड़ा जो एक स्ट्रेटजी है वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस बना रहे हैं। जी वैष्णवी। जी राजन, और जैसे कि आपने बताया कि घना जंगल होने की वजह से मुमकिन है कि सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। बिल्कुल वैष्णवी, कल से ही हमने देखा कि जिस इलाके में हम लाल दरमान इलाके में मौजूद थे, तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की जो है वो मदद ली गई है। जाहिर सी बात है, घने जंगल हैं, ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पेट्रोलिंग करती पार्टी पे जब अटैक हुआ, वो भी अगर हम देखेंगे तो एक रिज बना हुआ है पहाड़ी पे, और वहां पे एक तलाशी अभियान ही चलाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। लेकिन रिज ऐसा होता है कि यदि आप सामने आतंकवादी आ जाए तो आप उस रिज में फंस जाते हैं, वापस भाग नहीं पाते हैं। तो ऐसा कोई एम्बुश ना लगा हो और इस तरह से कोई डैमेज ना हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस बात का ध्यान रखना, इस बात की एहतियात रखना बहुत ही अहम होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से उन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन है, ग्रेनेड्स हैं, तो ऐसे में वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए उन आतंकवादियों को तो उनका सफाया किया जाएगा, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। जी वैष्णवी। जी राजन, और जैसे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है तो इसका उस पर असर जरूर दिखने को मिल रहा है, क्या कुछ सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है अमरनाथ यात्रा की? देखिए, क्योंकि जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो कठुआ का इलाका है, रियासी का इलाका है, हमने कुछ दिन पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ अखनूर इलाका है, वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया, वहां भी संदिग्ध देखे गए। तो संदिग्ध को देखने का जो सिलसिला है वो जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बना हुआ है, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि काफी संख्या में जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ करके इस तरफ आ चुके हैं, और वो जो इन्हीं पहाड़ों में जो है वो आके छिपके हैं, और जो लोकल गाइड्स हैं उनके साथ हैं। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा पे भी इसका जो साया है, इसका जो आतंक है, वो उसकी जो है वो आ सकता है। इसको इसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जब यात्रा चलती है तो तभी नेशनल हाईवे पे सभी तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको रोक दिया जाता है, जो वहां मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है, ताकि जब कॉन्वॉय निकल जाए उसके बाद ही जो बाकी लोग हैं उनको अनुमति होती है जाने की। लेकिन आसपास जंगल के इलाके हैं, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे है जम्मू से श्रीनगर, वहां कहीं ऐसे नेशनल हाईवे के साथ सटे हुए जंगल के इलाके जहां से आतंकवादी जो है इस अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए हाईवे पे भी हमने देखा है कि सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, हाईवे पे CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की जो पेट्रोलिंग है, डिप्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाया गया है। तो तमाम तरह की जो कोशिशें और इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए, वो प्रशासन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से उठा लिए गए हैं। जी।